धारा 370 हटने की खुशी। दिल्ली के यमुना पथ में रहने वाली जानकी देवी, जिनको जानकी बहन के नाम से लोग जानते हैं, जो कि एक सामाजिक और वहाँ के गरीब लाचार व्यक्ति के लिए हमेशा आवाज उठाती हैं और हमेशा उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ती रहती हैं। उन्होंने धारा 370 हटने पर खुशी जाहिर की और लोगों के बीच मिठाई बांटी। मेरा नाम जानकी बहन है। कितनी खुशी है धारा 370 हटने? बहुत खुशी है। हमने आज़ादी तो नहीं देखा, हमारे बाबा जी फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन आज हमको लग रहा है जो हमने भी आज़ादी देख ली। बहुत खुशी है, खास करके वहाँ के महिलाओं के लिए, जो वहाँ जो जानवरों की तरह सलूक होता था, यानी एक तरह से वहाँ अलगाववादी इतने हावी थे और वहाँ राजनीति इतनी हावी गंदी राजनीति हो गई थी, कम से कम उससे तो छुटकारा मिली लोगों को। और पूरे भारत में एक देश में एक कानून, एक झंडा, एक सिंबल लेके अब हम लोग चलेंगे, इसलिए बहुत खुश है। मोदी है तो मुमकिन है, हम लोग इसीलिए तो लाए थे मोदी जी को, और हमारे विश्वास पर वो खड़े उतरे। धन्यवाद मोदी जी, हम जनक की धरती से आपको नमन करते हैं। जो भारत का स्वर्ग है, आप भी उसको देखने की इच्छा रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं, कौन नहीं चाहेगा, जो हमारा घर, हमारा देश, मेरा परिवार एकजुट रहे और खुशहाल रहे। किसकी इच्छा ऐसी नहीं होती है जो हम खुश रहें, हम एकजुट रहें। एकजुटता किसको नहीं चाहिए, खुशहाली किसको नहीं चाहिए? लेकिन कुछ लोग हैं जो इससे खुश भी नहीं है। हाँ, उसी के लिए तो है, हम दे के रहेंगे आज़ादी। किस किस को चाहिए आज़ादी? हम बांट रहे हैं। और आप पत्रकार हैं, वहाँ के राजा कौन थे? वहाँ के राजा हरि सिंह थे, और धर्म गवाह है, जो वहाँ नाग की राजधानी, नाग के पिता की राजधानी थी, तो पहले से भी हमारे सनातन की धरती थी। वो तो बीच में कुछ सेकुलरवादी, कुछ क्या कहें, कुछ देश वो धर्म परायण देश है, वहाँ माता जी हमारी है, तो कुछ राजनीति का शिकार करके और एक अलग गंदी सोच रख के उसको हटा दिया गया था। मैडम, से 65 साल बाद ये आया कि इससे जो पहले सरकारें बनी है उन्होंने इस बारे में सोचा नहीं है, करना नहीं चाहते? नहीं, क्योंकि उन्हीं की देन थी, उनके पूर्वजा। हमारे बाबा जो किसी चीज को कर जाएंगे उसको हम हटाना नहीं चाहेंगे, उसको हम क्या समझते हैं, ये हमारे बाबा की आन बान शान है, उन्हीं को आज़ादी मिली है।